कानपुर के थाना चकेरी इलाके के सनीगवा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सनीगवा के बांबी में 12 वर्षीय लड़के का शव मिला। इलाकाई लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को वन कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक स्वर्ण जयंती बिहार निवासी ममता का 12 वर्षीय बेटा घर से सामान लेने निकला था लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा, जिस पर मां ममता ने न्यू आजाद नगर में लापता वरुण की गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन आज थाना चकेरी के सनीगवा बम्बा में देर शाम शव मिला। पुलिस ने शव का पंचनामा भर मृतक वरुण की मौत के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं सनीगवा इलाके बम्बा में 12 वर्षीय लड़के का शव मिलने से सनसनी मची हुई है। आरटीआई न्यूज 24 के लिए नीरज तिवारी की रिपोर्ट। देखिए ये नहर में 12 वर्षीय एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। ये नहर में बहती हुई सनीगवा गांव के पीछे ये मिली है। ये बह के आई है। उसकी जो माँ है ममता, उसने बताया कि 4 तारीख से गायब था। बाकी अब डिटेल इसका पता किया जा रहा है कहाँ से बहा है, कहाँ से गायब था और पूरी जानकारी की जा रही कैसे इसकी घटना हुई है। आज इसकी बहती हुई आई है, ये पकड़ा गया है, इसका पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है, बाकी जानकारियां की जा रही है। लापता की रिपोर्ट लिखाई गई थी थाने पे? नहीं, थाने में कोई लापता की रिपोर्ट नहीं। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।